हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये वीडियो आजकल हर रोज़ तो नहीं आ रही क्योंकि स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस है वो काफ़ी कम आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और इस वीडियो को कंटिन्यू आपकी डेली फिर से रूटीन में चलाई जा सके। तो आज हम करेंगे आपके जो एजुकेशन कमीशन है इंडिया में जितने भी रहे हैं उनके MCQ देखेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आपका, पहला प्रश्न है आपके पास 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की जिसके सदस्य थे। ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 14 जुलाई 1964 को यानी कि 1964 में किस आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी कमीशन का जो गठन किया गया था, कोठारी आयोग कब आया आपका, 1964 में आया। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, तो इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर जो है आपके DS कोठारी यानी कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इस आयोग के आपके अध्यक्ष थे। अब इसमें बात की गई है कि सदस्य कौन कौन थे, तो ऑप्शन इसमें D हो जाएगा सही, यह सभी सदस्य जो है इस जो है आपके आयोग में थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए किया गया था, तो यह सिफारिश किस द्वारा की गई। देखिए, एक विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग का जो गठन किया गया था, ये सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो यह सिफारिश की गई थी आपकी राधाकृष्ण आयोग द्वारा। तो राधाकृष्ण आयोग की रिकमेंड पे एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया 1953 में, और 1956 में इसको जो है संविधान द्वारा जो है संसद द्वारा इसको स्वीकृति भी मिल गई थी। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है कि विश्वविद्यालय जो एक एक्ट आया था वो आया था 1904 में, तो आपने इसको ध्यान रखना। 1904 में जो एक्ट आया था, 1902 में जो सर टॉमस रेले उनकी अध्यक्षता में जो रिकमेंड किया गया था उसके अकॉर्डिंग आया था 1904 में विश्वविद्यालय जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस शिक्षा से संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस शिक्षा से संबंधित है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं किस शिक्षा से संबंधित है, ये आपने बताना है। आप सोच सकते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, तो आपकी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 1986, इसने रिकमेंड किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था मूलभूत आवश्यकताओं की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, इस तरह के जो आपके एक कमरा होना चाहिए जिसमें कि आप आपकी बारिश धूप वगैरह इस तरह की जो मूलभूत जितनी भी आवश्यकता है उन सभी के ऊपर जो है ध्यान देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि ये किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास D है, प्राथमिक शिक्षा से, तो ये आपका इसमें D आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जितने भी आपके एजुकेशन कमीशन है उसके ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई हैं, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन है, MCQ है, आपका एक क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्ज़ाम में देखने को हमेशा मिलता है, चाहे वो TET हो, CTET हो, NVS, KVS या फिर TGT, GVT कमीशन हो, तो इन सभी में जो एजुकेशन कमीशन से एक आपका क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है। तो एक बार आप जरूर जाए डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। प्रश्न आपने जैसा कि देख लिया होगा कि कौन सी शिक्षा प्रणाली अपने देश में प्रचलित है, तो यह है 10+2+3, तो ये किसने बात की गई थी, कोठारी कमीशन ने। तो कोठारी कमीशन ने 10+2+3 की बात की है, तो ये ऑप्शन इसमें C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, 1986 की नई शिक्षा का प्रथम बार पुनरावलोकन करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आपने बताना है कि जो 1986 की यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी आपकी, जो उसमें जो प्रथम बार पुनरावलोकन किया गया उस समिति के जो अध्यक्ष कौन थे। आपके पास ऑप्शन दिए गए, DS कोठारी, रामदयाल मुंडा यानी डॉक्टर KL श्रीमाली या फिर आचार्य राममूर्ति, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आचार्य राममूर्ति। आपके पास ऑप्शन D है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके पास, संविधान की किस धारा में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो यह किस में कहा गया है, यह आपने अनुच्छेद आपके पास दिए गए अनुच्छेद 26 में ऐसी बात की गई है, 28 में या फिर 22 में। ऑप्शन D है, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो सरकार द्वारा है संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह बात की गई आपके अनुच्छेद 28 में। ऑप्शन आपके पास जो है B सही हो जाएगा। 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आती है, उसमें आपकी ये बात की गई है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यह अधिनियम नहीं है, विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम आया था 1904 में, यहाँ है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
तो किस उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना? नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए, यानी कि एक अलग से UGC जो है का गठन किया जाए, ये सिफारिश की थी आपकी विश्वविद्यालय आयोग ने। अगला प्रश्न है आपके पास, 1944 यानी कि 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक शैक्षणिक योजना प्रस्तुत की, जिसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये आपने बताना है। आपके पास दिया गया हंटर आयोग, हंटर आयोग कब आया था आपके 1882-83 में, यह मैंने आपको डिटेल में बताया है। हटोक समिति 1929 में क्या क्या रिकमेंडेशन थी ये भी बताया है। इसका सही हो जाएगा सी, सार्जेंट योजना। अगला प्रश्न ले लेते हैं आपके पास, लॉर्ड मैकॉले द्वारा 1935 में घोषित विवरण पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, लॉर्ड मैकॉले ने जो आपका 1935 में घोषित किया था विवरण पत्र, उसका जो उद्देश्य था आपको मैंने पहले भी बताया है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना। तो उसने किसकी बात की थी? अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर उसने जोर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ एक ऐसे जो क्लर्क पैदा करने जो कि उनके लिए एक मशीनों की तरह काम करते रहे। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, तो आप सभी को पता होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था, या फिर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कौन सा हुआ था आपका, तो 1964 में हुआ था ये आपका कोठारी कमीशन। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी जो है आपकी मुदालियर की अध्यक्षता में ये आपका किया गया था, इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में क्या हुआ था, जो जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आपके बेसिक एजुकेशन की बात की गई थी, यानी कि आधार शिक्षा की बात की गई थी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो ये आपकी आधार शिक्षा थी, आधार शिक्षा की बात की थी गांधी ने 1937 में, जो आपकी वर्धा योजना है, इसको वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इस दोनों फैक्ट को याद रखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।